हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज तो हम लोग थोड़ा परेशान हैं। मम्मी का तबीयत ख़राब है, आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था रात से ही। तो हम लोग मम्मी को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। भाई है, बहन, तो सभी लोग लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज 25 दिसंबर भी था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। आज हॉस्पिटल का ही चक्कर लग गया है। आप लोग दुआ करें कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी तो अभी बहुत परेशान है दर्द से। अभी नॉर्मल है मम्मी, कुछ ठीक है ना? अभी इंजेक्शन लगा है 3 तो अभी कुछ करेंगी, दर्द कम है। नहीं तो सुबह में तो बहुत रो रही थी मम्मी, हम लोग भी सभी लोग घबरा गए। अभी तो देखिए मम्मी का हालत कैसा है। नहीं तो बहुत मम्मी हंसती गाती है, नाचती है आप लोग के साथ में। मम्मी को अब MRI के लिए ले जाया जा रहा है। मम्मी आराम से है ना? टेंशन नहीं ना, दर्द नहीं ना लग रहा है? चलिए ठीक है, MRI हो जाएगा तो पता चल जाएगा। मम्मी का MRI हो के बाहर आ रही है। MRI तो अच्छे से हो गया, अब देखे रिपोर्ट में क्या निकलता है। चलो गाड़ी आ गया है। अबे मारा ही हुआ है, उसके बाद ना। तो मम्मी को गाड़ी में बैठा दिया, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब बाकी आप रिपोर्ट लेके आ जाइएगा, कुर्फ ले आइएगा ना। चलो हाँ, और देखते हैं अभी MRI में क्या रिपोर्ट आता है। उसके बाद सर बोले हैं कि हम दवा फिर से लिखते हैं। घर पर आ गए हैं, मम्मी को अंदर लेके जा रहे हैं। क्या चीज? हाँ वो अंदर रहने दो ना कुशन। हाँ एगो कुशन ऐसे भी गाड़ी में रहना चाहिए। धूप में रखो ना, अभी अभी बाहर धूप में बैठा दो, थोड़ा सा हाथ पैर वैर। हाँ का कुसुम, अब मम्मी को सेवा करना है आपको। मम्मी के का हुआ? एकदम आन मौका पर खाली तबीयत खराब के बहाने। हाँ हाँ, खाली गिरने का बहाना, खाली जरी सुन गिरी भी कहा है। हाँ। अब सेब खा के अब थोड़ा बहुत दवाई खा लीजिए। दवा कहाँ खाना है? अब पहले कभी तो कोई दवाई नहीं है, वो सब छोड़ दीजिएगा ना। हम लोग घर आ गए हैं और मम्मी धूप में बैठी हैं, थोड़ा सा आराम कर रही हैं। अभी सुबह तो भाग दौड़ लगा रहा थोड़ा देर, 2-3 तो हम लोग बिजी रह गए। और दीदी भी साथ में बैठी है, अभी पानी मिल गया है उसको पीने के लिए। पानी उठा ली? ये तिलुआ मिला है, ठंडा में तो तिल सबको पसंद रहता है, स्वादिष्ट बना है। प्रार्थना कीजिए कि मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अभी मम्मी के यहाँ बहुत काम है। अभी खुशखबरी भी आने वाला है, अब ठीक हो जाएंगी मम्मी। अब सब लोग आप लोग मिलके दुआ कीजिए मम्मी के लिए। तो इतना सारा दवा आ गया है और अब शायद इंजेक्शन लगने जा रहा है मम्मी को। यही ना लगा देना है। बच्चे से रात में सोने के टाइम ये बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, तो उनको डॉक्टर साहब को बुला के लगवा देना है। और ये दोपहर में और रात में, मतलब नींद के लिए है ये दवा। जितने रिलैक्स करेंगे उतने आराम मिलेगा। ये तुम अपने जेब में रख लो, मम्मी को दे देना। नहीं मम्मी को अच्छा लगा, बोले कि आज अच्छा लगी। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।